श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भेजे हुए जो उनके पार्षद होते हैं, वो जितने दिन के लिए भेजते हैं उतने दिन तक यहाँ प्रभु की सेवा उनकी आज्ञा अनुसार करते रहते हैं। जैसे स्टेज पर कोई कलाकार, कोई जो उसको बताई गई लीला वो दिखाने के लिए आया हुआ है, तो उस लीला को दिखा करके फिर स्टेज से वापस चला जाता है। जितने समय के लिए लीला करनी उतने समय तक रुकता है। उसको यहाँ से जाने में दुख नहीं होता। और जो ये समझता है कि उस सदा के लिए यहीं उसको रहना है, वो यहाँ से जाने में दुखी होने लग जाता है। किंतु जो भेजा हुआ है वहाँ से कि ये करके वापस आओ, वो दुखी नहीं होता। महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी ऐसे ही अद्भुत महापुरुष थे, भगवत पार्षद थे, जो भगवान ने भक्ति प्रचार के लिए भेजा था संसार में। और मैं आपको बता चुका हूँ, उर्वशी का श्राप लगा था, उसके कारण से शरीर पूरा रुग्ण हो गया था, जर्जर हो गया था। महाराज जी तो कहते थे कि आप लोग अपने मन की भले निकाल लो, शरीर स्वस्थ नहीं होना, पैसा बर्बाद करना करो। भक्तों ने आपस में सलाह किया तो सर्वसम्मत से आवश्यकता अनुसार औषधियों का प्रयोग चालू रखा गया। और भक्तों 27 सितंबर सन 1953 को अपनी शारीरिक स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती हुई देखकर महाराज श्री कार्तिकेय जी ने कहा किशोरी माता से, श्री जी अब हम शरीर छोड़ना चाहते हैं। किशोरी जी बोली, प्रभु आप जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? महाराज जी बोले, हमारा विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो चुका, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग मेरे हाथ पैर हैं। तीसरे दिन इस शरीर को छोड़ दूंगा, आप जिनको चाहें सूचना दे सकती हैं। और भक्तों, उनकी आज्ञा अनुसार किशोरी जी ने कुछ भक्तों को आदेश दे दिया और उनको दर्शन करने की छूट भी दे दी गई। 29 सितंबर सन 1953 मंगलवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही श्री सरयू जी की ओर मुख किए हुए आसनासीन ध्यानस्थ मुद्रा में महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जब लोग जगे हैं प्रातः, तो देखेंगे महाराज जी ध्यानस्थ मुद्रा में सरयू जी की ओर मुख किए हुए आसन पर आसीन है। उस दिन सबसे पहले भक्त, जिनको तहसीलदार कहा जाता था, उन्होंने किशोरी जी से कहा, देखिए आज श्री भगवान जी की मुद्रा बड़ी विलक्षण है, बहुत रात से ध्यानस्थ हैं पर मंद मंद मुस्करा रहे हैं, अंतर्वृत्ति कुछ अद्भुत है। किशोरी जी ने तुरंत दर्शन करके उसकी विलक्षणता की अनुभूति की और अनुभूत करने के बाद कहा, प्रतीत होता है श्री भगवान जी किसी लीला के आनंद में निमग्न है। फिर बाई जी आदि को बुलाकर किशोरी जी ने दर्शन कराया। कुछ देर बाद सावधान करने के लिए कीर्तन किया गया। उससे महाराज जी थोड़ा सा बहिर्वृत्ति हुए और एकदम विस्मय के साथ बोले, श्री जी क्या बात है, हम इस लोक में नहीं थे। प्रभु ने कहा, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने,
अंतरलोक में हम लीला देख रहे थे। श्री किशोरी जी के पूछने पर कि आप कृपा करके बताएं कि आप क्या देख रहे थे, लेकिन स्वामी कार्तिकेय जी मुस्कराते ही रहे, बताने की कृपा नहीं किए। मुझे तो लगता है भक्तों, महाराज जी को जहाँ जाना था वो उनको दिखाया गया भगवान के द्वारा, इसलिए वो बात यहाँ नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि लोगों को दुख हो जाता कि अब तो जा रहे हैं। फिर कहा, श्री जी आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। अब जैसे महाराज जी बिल्कुल भूल गए थे कि मेरी शिष्या है, तभी तो कह रहे हैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। बस उनको श्री जी ही देख रहे थे, वो शिष्या नहीं देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, डॉक्टर साहब और जो और लोग हैं सेवक लोग, सबको खुश कर देना। अर्थात जिन लोगों ने कुछ भी सेवा की हो उन लोगों को कुछ देना होगा, ध्यान रखना। और थोड़ी देर बाद अस्वस्थता के कारण महाराज जी को विश्राम करा दिया गया। रात से ध्यानस्थ थे, मुस्करा रहे थे, अब लोगों से बात किया तो विश्राम करना पड़ा। और कुछ घंटों के बाद किशोरी जी पुनः देखने आई तो कहने लगे, महाराज जी बोले, दयामयी आ गया। अब महाराज किशोरी जी ने कहा, किस बात की आज्ञा मांग रहे हैं? लेकिन ये पूछने पर महाराज जी नहीं बोले। फिर किशोरी जी समझ गई कि अब जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। कुछ देर सोच कर किशोरी जी ने कहा, जिसमें सबका भला हो, जो आप उचित समझें वही कीजिए। तत्पश्चात किशोरी जी ने, जो जब पूजा पाठ सब चल रहा था वो बंद करा दिया, और संत जो मिथिला वाले थे ना, लता जी, जानकी जी के ध्यान में डूबे रहते थे, उनको किशोरी जी ने सेवा में बुला लिया कि आप इधर आ जाइए। और 28 सितंबर 53 तक महाराज जी ने शरीर, अर्थात जो लता जी थे उनके हाथ से मंत्र से अभिमंत्रित जल बराबर ग्रहण करने की कृपा की थी। अर्थात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 29 सितंबर 53 की बात, उसके ठीक एक दिन पहले तक जल पिया था महाराज जी ने लता जी के हाथ से। और अब 29 की बात मैं आपको सुना रहा हूँ भक्तों। 29 सितंबर 1953 महाराज जी दोपहर पश्चात भूमि पर आसन लगवा कर सिद्धासन से बैठ गए, और रात के 8 बजे तक महाराज इतनी अवस्था शरीर की हो गई थी जर्जर कि बैठने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन महाराज जी तो आसन लगवाए और फिर उस पर बैठ गए सिद्धासन से दोपहर में, और रात को 8 बजे तक उसी तरह से नेत्र बंद किए बैठे रहे। उपस्थित सभी भक्त महाराज जी को घेर कर बैठे हुए दर्शनों का लाभ ले रहे थे, और महाराज जी का शरीर ऐसा लगता था जैसे कुछ है नहीं इसमें, बस केवल बैठा हुआ है। श्री किशोरी जी तथा और जो भक्त लोग थे, कुछ देर में जो उसमें तहसीलदार साहब कहे जाते थे वो किशोरी जी, कुछ देर में नाड़ी देखने में आ करके प्रणाम करके हाथ से नाड़ी देखने में लग जाते थे। श्वास की गति शनई शनई मंद पड़ती जा रही थी, ऐसा लगता था श्वास की गति बिल्कुल बंद हो रही है। किशोरी जी ने सोचा, शायद भगवान जी प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अंतिम दिन उनका नियम क्यों टूटे? कारण कितनी भी अस्वस्थ अवस्था हो भले रही हो, पर जहाँ तक हो सके प्रार्थना में उपस्थित होते ही थे। अतः स्वयं 8 बजे किशोरी जी की आज्ञा से महाराज जी के समक्ष विश्व कल्याण की प्रार्थना प्रारंभ हुई। और उसी समय महाराज, अब आप सावधानी समझना, रात को 8 बजे की बात है, वो 10 सितंबर की संतीर्थन की, उसी समय सरजू जी के ठीक ऊपर आकाश में एक प्रकाश पुंज तारा प्रकट हुआ, तीव्र प्रकाश का। और वो तीव्र प्रकाश का तारा पहली बार देखा गया और बिल्कुल सरजू जी के ठीक ऊपर। वो सब लोग चकित होकर देख रहे थे, ये तारा तो ऐसा इतने निकट और इतना प्रकाशमान तो कभी देखा नहीं गया, ये कैसा तारा जो इतने निकट में चमक रहा। और कभी भी महाराज जी को देखते थे तो कभी उस प्रकाश पुंज तारा को देखते थे भक्त लोग। ये कुछ देर तक चकित होकर लोग देख रहे थे, तारा इतना निकट में आज कहाँ से आ गया। और महाराज 8:15 बजे गद्य में प्रार्थना की गई, आपके प्रेम में निरंतर निमग्न रहे हैं। और जब ये शब्द बोले गए भक्तों के द्वारा, आपके प्रेम में निरंतर निमग्न रहे, इस पंक्ति के बोलते ही महाराज जी ने आंखें खोल दी और फिर सदा के लिए प्रेमानंद में निमग्न हो गए। 15 मिनट पूर्व प्रकट हुआ वो प्रकाश पुंज जो तारा था, जब महाराज जी ने आंखें खोल करके अपने को प्रेम में निमग्न कर दिया, उसी समय वो चमचमाता हुआ तारा अदृश्य हो गया। मानो उस तारा के आकार में भगवान अपने विमान को लेकर के आए थे और उसमें विराजमान होकर के कुछ भक्त, विशेष प्रेमी भक्तों को ही तारा का दर्शन हुआ था, भक्तों सबको नहीं हुआ था, लेकिन कई भक्तों को एक साथ हुआ था। भगवान जी निज धाम को पधार गए, जहाँ से आए थे वहीं प्रभु के पास पहुँच गए। और अनन्य भक्ता श्री जानकी बहन तथा कमला अम्बा जी अचेत सी गिर पड़ी। महाराज बार बार स्वामी कार्तिकेय जी ने किशोरी जी को आगे के लिए जिम्मेदारी दी थी कि आप अपने को संभाल कर रखना, भक्तों को सब संभालना होगा आपको, तो सभी भक्तों का हृदय तो शोकमग्न था। किंतु किशोरी जी को जो पूर्वाज्ञा अनुसार सब लोग कीर्तन करते रहे, किशोरी जी ने आज्ञा कर दिया था कीर्तन चालू रहेगा, लगभग 2:30 बजे रात में अर्ध ध्यान अवस्था में किशोरी जी अच्छा भगवान अच्छा ये बोलकर ध्यानस्थ हो गई। और 30 सितंबर 1953 को सुबह 4 बजे उठकर सभी भक्तों का सांत्वना देती हुई बोली, आप लोग व्याकुल नहीं होना, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, यहीं हैं, केवल सर्वत्र व्याप्त होकर भक्तों की प्रेम परीक्षा लेंगे, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक सब कार्य करें, अधीर नहीं हूँ। भक्तों के प्रति इस प्रकार का आदेश दे करके किशोरी जी ने लता जी से कहा, तुरंत अयोध्या जी जाओ और श्री वेदांती जी महाराज, राम पदार्थ दास वेदांती महाराज जो प्रसिद्ध संत थे उस समय के, और सार्वभौम पंडित वासुदेवाचार्य जी महाराज, आज से महाराज जी के लिए सारी विधि पूछ करके आओ कि अब हम लोगों को क्या कैसे करना होगा। तो भक्तों, मिथिला वाले जो संत लता जी थे, किशोरी जी के आज्ञा अनुसार तुरंत अयोध्या जी गए गुप्तार घाट से, और सब विधान संतों से जो वेदांती राम प्रदास दास थे, बहुत विद्वान पुरुष थे, और सार्वभौम जी से पूछ करके आ गए और किशोरी जी को बताया। इधर माली लोगों ने पुष्प मालाओं से अलंकृत वनस्पतियों का मंडपाकार विमान तैयार किया, जिसमें महाराज जी का शरीर
भक्तों ने सादर सब प्रेम आसीन करके उसे सरयू तट पर लाकर उपस्थित किया। राज मंदिर के समक्ष बड़े चबूतरे के बाएं घाट पर महाराज जी को विधि पूर्वक पंचामृत तथा परम पावन सरयू जी के जल से शुद्ध स्नान करा करके सुंदर कटिवस्त्र धारण कराया गया। और भक्तों, कटिवस्त्र धारण कराने के बाद फिर इत्र चंदन ये सब लेपन करके मस्तक पर लाल श्री लगाकर अनेक पुष्पहार पहनाए गए। तत्पश्चात आरती करके उस सुसज्जित विमान में विराजमान करके महाराज जी की सवारी निकाली गई। दर्शकों की भीड़ गुप्तार घाट से लेकर छावनी क्षेत्र तक अनुक्षण बढ़ती जा रही थी। मोटर तांगे रिक्शे तथा साइकिलों की अधिकता से उस मार्ग में होकर निकलना कठिन हो गया, इतनी भारी भीड़ थी। विमान में आसीन महाराज जी भक्तों के कंधों द्वारा राज मंदिर जो गुप्तार घाट पर है वहाँ से वटवृक्ष के नीचे जाकर पंचमुखी महादेव जी होते हुए जब गुप्तार घाट की ओर बढ़ रहे थे उस समय विश्व कल्याण के नारे और कीर्तन ध्वनि से जनता की अपार भीड़ उमड़ रही थी। उस जमाने में भी अब बताओ सम ये 71 साल पहले की बात है, लेकिन फोटोग्राफर लोग जो कि उस समय कैमरा नहीं ऐसा होता था आज की देश आ गए और जगह जगह दूर दूर से आए थे और महाराज के विमान पर सबकी दृष्टि लगी थी। अब सब के भाव को बताना संभव नहीं, वक्त कितने की आंखों से छल चला रहे थे, कितने दूर से उत्साह और लगन के साथ प्रभु का नाम गुजार रहे थे। और कुछ समय के बाद ही सवारी घाट पर पहुंच गई। वहां से पुष्पहारों से सुसज्जित श्री राम नाम अंकित बड़ी नौका तैयार की गई थी, जिसमें विमान सहित महाराज जी को उस नौका पर आरूढ़ किया गया। उस करुण दृश्य को देखने की क्षमता नेत्रों में नहीं थी। सब परिकर किशोरी जी के प्रणाम कर लेने के बाद जब महाराज जी की नौका बड़ी धारा की ओर बढ़ी तो उसका अनुगमन करने के लिए सभी नावें भक्तों से भर गई। गुप्तार घाट पर जितनी नावें थी सब भर गई भक्तों से। किशोरी जी की नाव पर बाई जी समेत जानकी बहन तथा कमला बम्बा विराजमान थी। उनके नाविक को पहले ही समझा दिया गया था, नाविक को ये कह दिया गया था कि देखो नाव कुछ दूर तक आगे बढ़ाकर फिर किनारे की ओर लगा लेना जिससे कोई घटना ना हो, क्योंकि जल बहुत तेज बह रहा है और बहुत गहरा जल है। पीछे आने वाली अन्य नावों को भी विलंब कर देने का संकेत था कि आप लोग आगे नहीं बढ़ाना, मैं रोक लें। और महाराज जी की नाव पर भक्त राज तहसीलदार साहब ज्ञानानंद जी, युगल बाबू और राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज और वो मिथिला वाले संत लता जी, सुकृत जी, बड़े बड़े महान संत और भक्त लोग जो उपलब्ध थे सब के सब जो आ गए थे कहीं से भी आ गए थे वो सब देर में पहुंचे थे, वो दौड़ पड़ गए महाराज और नौका को पहचान करके भागते हुए लोग पहुंच जाते थे और नाव का पीछा करते हुए उनकी नाव जिनकी पीछे रह गई थी महाराज जी के निकट तक पहुंचे। और जब उन्हें जल समाधि देने की तैयारी होती दिखाई पड़ी तो वेगवती अथाह धारा में अपनी नाव से कूद कर महाराज जी की नाव तक पहुंचने की चेष्टा लोग करने लगे। तो
उस समय असह्य वियोग दुख हो रहा था सबको और हाहाकार मच रहा था कि नहीं कोई कूदो नहीं कोई कूदो नहीं, लेकिन जो तैरने में कुशल थे वो लोग तो कूदने लगे और विषधारा में पहुंचने पर राम कृपाल जी महाराज अब महाराज जी को जल समाधि देने के लिए तत्पर हुए। तो श्री लता जी ने महाराज जी के दोनों सुकोमल चरण कमलों के तलवों में सिर रखकर अंतिम प्रणाम किया। और शरीर जी की गोद में ये कार्य किया है। इतने में देखा गया किशोरी जी की नाव जलधारा के तीव्र बहाव में बहुत दूर भागी चली जा रही। तो लोग घबराए कि किशोरी जी की नाव बही चली जा रही, क्या बात है। तो महाराज जी को लगा कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। जो और संत लोग थे उन लोगों को ऐसा लगा। तो दूसरी नाव दौड़ाई गई कि किशोरी जी के नाव को मल्लाह को चिल्ला करके नाव को रुकवाओ और जो खास भक्त लोग थे ना वो चिल्लाने लगे नाव को जल्दी किनारे लाओ नाव को जल्दी किनारे लगाओ। नाव किनारे फिर जब आई तब तक लोग शांति मिली। किशोरी जी ने बताया कि भगवान जी की प्रसादी पुष्प भेजे जा रहे थे, उनके दिव्य गात्र के प्रसादी पुष्प बहे जा रहे थे जल की धारा में, उन्हीं पुष्पों को लेने के लिए हम तेजी से गए थे उधर। और भक्तों राज मंदिर में विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना चल रही थी जिस समय महाराज जी ने शरीर छोड़ा था। उसी समय से वहां पर किशोरी जी की आज्ञा से श्री राम जय जय राम ये अखंड कीर्तन ध्वनि 13 दिनों तक होती रही। श्री राम जय जय राम की अखंड कीर्तन ध्वनि चल रही थी 13 दिन तक। साथ में वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत अध्यात्म रामायण भगवद गीता इन सब का और उपनिषदों का भी पाठ कराया जा रहा था। वट के नीचे वेदांती श्री राम पदार्थ दास जी महाराज जो अयोध्या के उस समय सबसे महान पूज्य संत माने जाते थे उनके द्वारा श्री रामार्चा पूजन का कार्य सांगोपांग संपन्न हुआ। रामार्चा महात्म की कथा पंडित श्री वासुदेवाचार्य दार्शनिक सार्वभौम जी महाराज ने सुनाने की कृपा की। पुनः भंडारे में अवध के सभी प्रतिष्ठित संतों को आमंत्रित किया गया और भी सब संतों को जिसको जरा भंडारा बोलते हैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित किए गए थे। प्रेमाशु भरे हुए सेवकों ने बहुत विदाई दक्षिणा भेंट सब दिया था संत को, प्रचुर दक्षिणा प्रचुर सामग्री और एक नहीं अनेक अनेक भंडारे हुए बहुत जगह पर हुए। और भक्तों मालियों पंडों आगंतुकों दीन दुखी याचकों पशु पक्षियों को भी पूरा भरपूर प्रसाद दिया गया था। कई कई दिनों तक चलता रहा बहुत सी जगह पर भंडारा। ऐसा लगता था कि जैसे भंडारे में अन्नपूर्णा जी ही सब बांट रही हैं। इतना इतना दिया जा रहा था लगता था अन्नपूर्णा जी ने आज सारा भंडारा यहीं खोल दिया अपना। और केवल गुप्तार घाट पर ही नहीं, मुख्य तो गुप्तार घाट था लेकिन अयोध्या जी में और भी लोगों ने अपने अपने आश्रमों में भंडारे किए। अन्य अन्य शहरों में भी भावभीनी प्रार्थनाओं के साथ प्रसाद वितरण किया जा रहा था। और किशोरी माता ने संदेश दिया सभी उपस्थित भाई बहनों माताओं को
यद्य महाराज जी का वियोग सहज सहय नहीं है, सहा नहीं जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं, सहन करना पड़ेगा हमें। वो विश्वात्मा थे, उनके प्रत्येक श्वास विश्व हित के लिए ही थे, विश्व कल्याण के लिए ही उनका जन्म हुआ था। वो एक देशी नहीं, अब सर्वव्यापक हो चुके हैं। उनके शारीरिक पंच तत्व अपने कारण पंच महातत्वों में विलीन होकर के विश्व हित भावना को उन कारण पंच तत्वों में भरेंगे, अर्थात भूत जो भूतत्व है पृथ्वी महातत्व में मिलकर विश्व हित भावना का प्रसार करेगा। जल तत्व अपने मूल जल महातत्व में मिलकर के कल्याण करेगा, क्योंकि महाराज जी का जो शरीर था वो असाधारण दिव्यता से संयुक्त था, इसलिए उनका जो जो शरीर का पंचतत्व होता है, अग्नि वायु आकाश जल सब सब के सब अपने मूल तत्व में प्रवेश करके जगत का कल्याण करेंगे। माता किशोरी ने प्रार्थना करते हुए सबसे कहा, इस तरह से गुरुदेव भगवान हम सब के साथ रहेंगे, उनको आप अपने जहाँ रहते वहीं अनुभव करो, आपके ऊपर वहीं कृपा हो जाएगी उनकी। माता किशोरी ने महाराज श्री कार्तिकेय जी के विषय में बहुत कुछ रहस्य की बातें सुनाई कि ये भगवान के भेजे हुए ऐसे अद्भुत योगी भक्त ज्ञानी महापुरुष थे, और महाराज जी के अनुभव की बातें उनके उपदेश की बातें भी बताई। किशोरी मैया ने उस समय बताया कि स्वयं उनके गुरुदेव उड़िया बाबा उनके विषय में बहुत अनोखी बातें बताया करते थे। स्वामी शांतानंद जी, शंकराचार्य, करपात्री जी, अखंडानंद जी, सीतारामाचार्य, सीतारामाचार्य जी, राम पदार्थ दास वेदांती और बहुत महान महान सिद्ध पुरुष सीताराम शरण जी, अवध किशोरदास जी, प्रेमदास जी और महाराज राम कुमार दास जी जो विराजमान थे, जिनका श्री राम कोषागार है अयोध्या जी में मणि पर्वत के पास, उस समय विराजमान थे सनातन देव जी, आंजनेय जी जी और कितने कितने महान संत लोग आकर के नमन कर रहे थे। भक्तों, भगवान के भेजे हुए स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं अपने श्रीमुख से बताए थे किशोरी माता को कि मैं जिस सेवा कार्य के लिए प्रभु के द्वारा भेजा गया था वो कर चुका हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान के पास वो पहुँच गए भक्तों, और रह गया उनका अमर चरित्र जिसे आप श्रवण करते हुए आज विराम की जगह पर पहुँच गए हैं। अनंत अनंत बार प्रेम भरा प्रणाम है उनको, दंडवत साष्टांग प्रणिपात। मुझे विश्वास है कि कार्तिकेय जी महाराज के इस परम मंगलमय चरित्र को आप भावपूर्वक श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, और ये हम लोगों के जीवन में एक आशीर्वाद होगा कार्तिकेय जी का, किशोरी माता का, इसलिए इसको भावपूर्वक श्रवण करिए। बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।